नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी। आप देख रहे हैं आर्ट बालाघाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि वन क्लिक में 8 पासपोर्ट फोटो कैसे बनाए, इसका क्या प्रोसेस है, बार बार क्या ये चीज करनी पड़ेगी या फिर सिंगल वे में ये चीज काम कर जाएगी, ये क्या है, कैसे काम करती है और भी सारी डिटेल चीजों को आज इसमें हम समझेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने हमारा चैनल आर्ट बालाघाट का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड टेक्निकली वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। यहां पर मैंने एक फोटो लिया है, इसको सिंगल वे में ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप सीसी में लेके आ जाऊंगा। यहां देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप किस फोटो को बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, जरूरी यह है कि आपको कैसे बनाने का आइडिया मालूम है, किस टाइप से उस पर वर्क करेंगे और क्या क्या इसमें प्रोसेस होगी। यहां पर फोटो इसलिए मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि 8 फोटो हम सिर्फ डबल पर्सन की बनाते हैं, वरना हमको अगर एक्स्ट्रा सिंगल वे में बनाना होता तो हम 12 पासपोर्ट फोटो बनाते हैं। 8 फोटो बनाने का मतलब साइज बड़ी होगी, थोड़ी सी फोटो का साइज लेंथ बड़ा होगा और उसके साथ साथ 2 पर्सन ये ज्यादा बेहतर तरीके से बन पाएगी। यहां पर इस फोटो का साइज क्या लूंगा, कैसे बनाऊंगा, ये चीज आज हम समझेंगे। तो यहां पर लूंगा मैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में साइज ऑलरेडी डाला 5x7 300 के रिजोल्यूशन के साथ, तो मैं यहां पर 1.9 क्लिक करूंगा या 1.4 क्लिक करूंगा और उसके बाद 1.9 क्लिक करूंगा या फिर इसको आगे और इसको पीछे क्लिक रखूंगा और यहां 300 का रिजोल्यूशन रखने वाला हूं। इस फोटो को सिंगल वे में इधर ड्रैग करके रखूंगा और यहां से मुझे इतना फोटो चाहिए, जितना फोटो चाहिए सिर्फ उतना ही मैं इसे रखूंगा। इतना फोटो मुझे चाहिए, 1.9 1.4 का रिजोल्यूशन दूंगा, उसके साथ में इसको सिंगल वे में इंटर मारूंगा या राइट क्लिक में क्लिक कर दूंगा। ध्यान से देखेंगे ये फोटो क्रॉप हो चुकी है, अब यहां पर कुछ भी नहीं है। सिंगल वे में इसको सिंगल क्लिक में अनलॉक कर लूंगा और यहां से इसको फेदर दूंगा। अगर आपको फेदर देना नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल जे का बटन दबाएंगे, कॉपी बन जाएगी इसकी, उसके बाद भी देंगे तो यहां पर फेदर डल चुका है। ध्यान से देखेंगे तो सारी फोटो में बॉर्डर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे फेदर नहीं होता, बॉर्डर होता है। यहां पर मैं आऊंगा फाइल में और न्यू में क्लिक करूंगा। उससे पहले बता दूं कि ये सब चीज कर लिया है आपने, यहां तक काफी बेहतर करा है। अब अगर आपको कोई और चीज समझनी है, उससे पहले बताओ कि बार बार चीजों को ना करना पड़े, यहां तक प्रोसेस कर लिया आपने, यहां तक नहीं भी करता, सिर्फ क्रॉप करने की जरूरत थी पर हमने इतना कर लिया है। विंडो में आएंगे, यहां एक्शन का बटन मिलेगा, जैसे क्लिक करूंगा ये एक्शन फाइल खुल के आ जाएगी। यहां डिफॉल्ट एक्शन है, इसको रहने देने वाला हूं, इसको डिलीट कर दूंगा और यहां पर क्लिक करूंगा सिंगल। जैसे यहां पर नाम डालने बोल रहा तो मैं नाम नहीं डाल रहा हूं, ओके कर दिया, बस ये चीज हो गई, चालू हो गया। यहां से एक्शन का बटन, यहां से स्टॉप करना है, यहां से रिकॉर्ड स्टार्ट होता है। इधर पे आना है, सिलेक्ट ऑल में क्लिक कर दिया है, फोटो चारों तरफ सिलेक्ट हो गई, यहां आके कॉपी में क्लिक कर देना है, बस काम इतना ही करना है। फाइल में आना है और यहां से न्यू में क्लिक करना है, यहां पर सिलेक्ट करना है फोटो का साइज 4:6 और ये ओके कर दूंगा। आप अपनी सुविधा अनुसार चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज यहां पर बताऊं मैं, सब कुछ बताता हूं पर फिर भी कोई चीज छूट जाती हो तो आपको यहां पर समझना होगा। यहां पर आके सिंगल वे में पेस्ट करना है, बस यहां पर मुंह करा के यहां लेके आऊंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल जे का बटन दबाऊंगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी और यहां से इसको मुंह करा लूंगा मैं इतने दूर, इसके साथ इसको कंट्रोल जे का ग्रुप, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लूंगा और यहां से इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली मिला लूंगा। ये मिला लिया मैंने, यहां तक के ला लिया मैंने इसको, ये मिला लिया मैंने, कीबोर्ड से कंट्रोल जे बनाऊंगा, दबाऊंगा तो कॉपी बन जाएगी फिर से वापस, कॉपी बना के यहां तक लाना है, वापस कीबोर्ड से कंट्रोल जी दबा के ग्रुप कर लूंगा और इसकी कॉपी बना लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये सब चीज क्या किया मैंने। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो फिर मैं यहां पर इतना कर लेने के बाद इसको फिट एन इमेज में क्लिक कर दूंगा और यहां पर स्टॉप लगा दूंगा, बस इतना काफी है। अब यहां पर ये चीज मैंने करके दिखा दिया, इसका काम हो चुका है। अब मैं कोई सिंगल वे में जो फोटो थी इसमें क्लिक करके देखता हूं मैं क्या होता है। बिल्कुल आसानी से ये चीज सेट हो गई। नई चीजें समझ में आई हो तो बता देता हूं कि कैसे कैसे काम कर गई चीजें। यहां से इसको सबको कट कर लूंगा, एक्शन फाइल मैंने बनाया है, यहां से सिंगल वे में मुंह करा के लाऊंगा और इसको क्रॉप करूंगा मेरे इच्छा अनुसार, मेरे को इतना साइज चाहिए, ये क्रॉप कर लिया। और यहां एक्शन का जो बटन बनाया हमने, यहां से देखेंगे पहले सिलेक्शन बनाया, कॉपी किया और नया पेज बनाया, फिर पेस्ट किया, मुंह कराया, कॉपी किया, लेयर को ग्रुप किया, फिर दुनिया भर की जो जो चीजें किया, एंड तक सारी प्रोसेस यहां पर बनी हुई है। और इस चीज को एक बटन में सेट कर लेता हूं मैं, कैसे करूंगा, यहां पर आएंगे, डबल क्लिक करूंगा और यहां पर F12 या F1, जैसे मैं यहां पर F4 में क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल के साथ F4 दबाना चाहता हूं मैं, तो
और ये चीज चल जानी चाहिए। तो कंट्रोल के साथ F4 दबाऊंगा तो ये चीज अपने आप आके सिलेक्शन बन के सारी चीजें तैयार हो गई। जैसे कि मैं यहाँ मूव टूल पे हूं, तो ये चीज मैंने ऑलरेडी बेसिक वे में करके दिखाया। कॉपी पेस्ट करना, सिर्फ आपको सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करना यार, बाकी बिल्कुल आसान है, कोई भी कठिन चीज नहीं है। ये एक्शन मैं आपको दे सकता लेकिन ये देने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा आसान चीज कोई भी नहीं हो सकती फोटोशॉप के अंदर में। इस चीज को समझिए, बस याद रहे कि आपको कंट्रोल जेड नहीं दबाना है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको एक बार करना और एक्चुअल तरीके से करना है, तब जाके बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दे जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। कोई और परेशानी हो तो भाई बेटा तुरंत इंस्टाग्राम पे आओ, सारे सवाल जवाब करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। वेबसाइट चेक करना बिल्कुल मत भूलना, चेक करो यार, वहां पर आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।